मैंने गूगल के जरिए बहुत सी डेटिंग वेबसाइट, डेटिंग ऐप तथा शादी.com के बारे में सुन रखा है, लेकिन एक भी वेबसाइट ऐसी नहीं मिलती जहां कपल लवर्स के नाम का टैग बनाकर उनके प्यार को परमानेंट कर दिया जाए। लेकिन फिर मुझे यूट्यूब पर टैग के जरिए अपनी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट करने वाले एक छपरी यूट्यूबर के बारे में पता चला। बहुत खूबसूरत हो ये बिखरी सी लटे हैं, इन्हें चेहरे पे रहने दो। ये सिद्धार्थ करके अपना बिजनेस चलाने के लिए निब्बियों को इमोशनली ब्लैकमेल करके गुमराह कर रहा है तथा उनके कैरियर के लोड़े लगा रहा है। गुमराह होने का एग्जाम्पल, सिद्धार्थ मेरी आखिरी प्यार बन गया, लाइफ टाइम रहेगा, इन निब्बो ऑडियंस के शब्द भी अमन चमन जैसे हो गए हैं। सिद्धार्थ साथ हैं, खुश हैं, हमेशा रहेगा। बहनचो अमन चमन ने ये डायलॉग यूनिवर्सल डायलॉग बना के रख दिया, उसकी निब्बी ऑडियंस भी यही डायलॉग यूज करती है और इस फेमस डायलॉग से ही अमन चमन इन चूती ऑडियंस को गुमराह करता है। सिद्धार्थ साथ हैं और खुश हैं, इंट्रोडक्शन दे दूं अगर आप भूल गई हो तो। ये इसका मूल मंत्र है धंधा चलाने के लिए। और क्या चल रहा है अभी? अभी सिद्धार्थ चल रहा है। पूरा संसार कोरोना बीमारी से भयभीत है, लेकिन इसको सिडनाज चलाना है। सिडनाज बीमारी कोरोना से भी ज़्यादा घातक है। कोरोना के लिए वैक्सीन बन चुकी है, लेकिन सिडनाज बवासीर को रोकने के लिए इन जैसे छपरे यूट्यूबर के लिए वैक्सीन का होना जरूरी है। उनको बता दिया आप सिडनाज की फैन है ऐसे? हाँ, वो मेरे को बोलते कैसे वो सिडनाज बोलते कभी कभी। मजा आया। और ये क्या, एक बिग बॉस एपिसोड को 4-5 लोगों के साथ कॉल कॉन्फ्रेंस पर लेकर सिडनाज डिकोडिंग करोगे? और ये डिकोडिंग तो प्राइवेटली कॉल पर हो सकती है, लेकिन नहीं, इनको ये बवासीर कंटेंट के नाम पर यूट्यूब पर अपलोड करके सिडनाज के नाम पर बिजनेस करना है। अब ये बिजनेस नहीं तो क्या है? इसका मैनिपुलेटिंग का काम ट्विटर से स्टार्ट होता है, जहाँ इसके ट्वीट ऐसे हैं, सिडनाज ही दुनिया है, सिडनाज दो जिस्म एक जान है, घोषणा की सिडनाज को कोई छोड़े या ना छोड़े, लेकिन तेरे इन लक्षणों से तेरी बीवी तुझे छोड़ जाएगी। दूसरा मैनिपुलेटिंग का काम ये इंस्टा स्टोरी डाल के करता है ताकि ऑडियंस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ कनेक्ट कर सके। और सिडनाज ने ड्रीम में आके बोला होगा, हे बस हमारा पीछा छोड़ दो और गांड में उंगली मत करो। भोसड़ की गांड टूटी पड़ी है, फिर भी सिडनाज इसे कहते हैं असली बिजनेस मैन। इसकी निब्बी ऑडियंस के लिए बोलना चाहता हूँ कि इसका तो बिजनेस मस्त चल रहा है, लेकिन तुम इससे इंस्पायर होकर अपने कैरियर के लोड़े लगा रहे हो। हम जैसा का तैसा करेक्ट कर दिया। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने कदम पीछे हटा ले। ये अपने आप को सिडनाज फैन बोलता है, लेकिन इसके यूट्यूब चैनल पर ब्रोकन बट ब्यूटीफुल सीजन 3 से रिलेटेड डिस्कशन नहीं मिलेगा, ओनली 2 साल पुराने सिडनाज पर डिस्कस मिलेगा। ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के पर्पज से बनाई गई है। मेरा उद्देश्य किसी की भी इमेज को हार्म करना नहीं है और अमन सिडनाज के प्रोफेशन के बारे में कोई भी रॉन्ग कमेंट नहीं करेगा। इसने अपने YouTube का नाम चेंज कर लिया, पहले इसके YouTube का नाम अमन सिडनाज था, लेकिन अब YouTube का नाम विंग अमन हो गया, ताकि इस पर ऑब्जेक्शन ना उठाए।